तीन चार टेबल स्पून ये शामिल करते हैं, बड़ा सा ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। गाजर का जमाना, खून का खजाना, कमाल की रेसिपी देने लगा हूं। इसके फवायद का तो आपको पता होगा, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप कमर्शियल लेवल पे या घर में वो टेस्ट क्यों नहीं बन पाता खवातीन से, या जो लोग कारोबार कर रहे हैं जूस कार्नर का, जूस का स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो गाजर का सीजन आ रहा है, वो किस तरीके से गाजर का जूस तैयार करेंगे, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, जो कस्टमर आपका दीवाना होने पर मजबूर हो जाएगा। तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ की जूसर की मशीन ले ली, स्पेशल बनी हुई है, विद स्पेशल तैयारी। इस मिक्सी में ये हमें चीनी डाल दें, ठीक है, चीनी शामिल कर दें और इसको बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें। ये लें जी, ये शक्ल में हमारे पास आ गई है, ये कमर्शियल मशीनें हैं, एक मिनट में इसने बिल्कुल चूरा सा करके रख दिया, बिल्कुल फाइन कर दिया, ठीक हो गया, इसको यहाँ रख दें। ये लें, और इसके साथ की कमर्शियल मशीन जो है हमारे पास जूस निकालने वाली, नीचे से इसके होल होता है, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके इस तरीके से, वेस्टेज वगैरह नीचे ये ड्रेन कर देती है, स्पेशल है। अगर ये आप लोगों को चाहिए हो तो हमारी टीम के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब गाजर के जूस का टेस्ट किस तरीके से बनेगा, मेरी गलत तवज्जो नाल सुननी है, इधर वेख के मशीन को ऑन कर लें। साथ साथ में चुकंदर भी डालें, चुकंदर थोड़ा सा इसका शोर होता है मशीन का। ये बड़े साइज का एक चुकंदर था, ये मैंने ले लिया और आधा चुकंदर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा, और ये तकरीबन 2.5 kg जो है ना गाजरें थी, इनका मैं जूस बना लूँ इस तरीके से, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये 2.5 kg का मैंने निकाल दिया जूस और आधा चुकंदर डाला। अब आपने क्या करना है, पहले मैं आपको मशीन की कंडीशन दिखा दूँ। ये इसने सारी वेस्टेज निकाल दी, देख रहे हैं नीचे, यहाँ से मैं सफाई कर लूँ, दिखा आप, फिर आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। ये लें जी, ये जो शुगर हमने क्रश की थी, ये तकरीबन 1.5 tablespoon शुगर के शामिल करते हैं 2.5 kg में, ठीक है, क्रैश शुगर। ये लाजमी कस्टमर को पता ना लगे, तवज्जो ना मेरी गल सुनिया करो। और ये आप कर दें 1/2 tablespoon से कम काला नमक शामिल कर दें। ये 1.5 लीमू है मेरे पास, इसका रस लीमू का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तोहफे गिफ्ट आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है, शामिल कर दिया आपने। ये लीमू शामिल कर दें, किन्नों का सीज़न नहीं है, जब किन्नों का सीज़न आएगा तो मैं किन्नों का ही बताऊंगा। ये लाल शरबत, इस शरबत का नाम मैं नहीं ले सकता, लाल शरबत की रेसिपी मैंने पहले आपको दी हुई है, 3-4 tablespoon ये शामिल करते हैं, बस सुभान अल्लाह। अब क्या करना है आपने, इसको अच्छे तरीके से फेंट लें थोड़ा सा ऐसे। बर्फ ले लें जितनी आप पसंद करते हैं, जितनी आपका कस्टमर पसंद करता है उतनी डाल दें, बर्फ डाल के इसको फेंट लें अच्छे तरीके से, सुभान अल्लाह, तोहफे बना देते हैं, तोहफे लाल लालो लाल शरबत बना देता, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। आप इसको पहले घर में ट्राई करें, घर में चेक करें, इसका टेस्ट चेक करें, उसके बाद आप मुझे बताएं भी आपको कैसा लगा, ठीक हो गया। यहाँ से कपड़े से सफाई कर लें, कोई मसला नहीं है, इस तरह सफाई वाला काम होगा तो ठीक रहेगा। ये देखें इस तरीके से, इस तरह के मग होते हैं, ये देखें इस तरह के, ये डिस्पोजिबल है इस तरीके के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी, ये देखें जी, ये है गाजर का जमाना, खून का खजाना। किन्नू और गाजर का जूस किस तरीके से तैयार होता है वो भी मुकम्मल गाइड करूंगा, आप इसको एक दफा ट्राई करें। इसके साथ का जो कवर होता है वो इसके ऊपर लगा दें इस तरीके से, ये कवर लग जाता है इसका, कोई मसला नहीं है। ये इसी तरीके से है, इस टाइम जो गाजर का रेट है वो महंगा है हमारे इलाके के हिसाब से, ये बड़ा मग जो मैंने आपको बताया ये 150 का सेल होता है। जब गाजर का रेट कम होना शुरू होगा तो साफ ज़रा इसका रेट भी कम हो जाएगा, आप रेट अपने इलाके के हिसाब से सेट कर लीजिए। छोटा गिलास जो है वो यहाँ पे 80 रुपए का मिलता है, बड़ा मग जो है ना 150 का मिलता है। गाजर का जूस
आप स्टार लगाएं, कारोबार करें मेरे भाइयों, तवज्जो से मेरी बात सुना करें। अल्लाह ताला आपको इस्ते दे, आपकी टेंशनें दूर फरमाए। अगर आपको हमारी ये गाजर के जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो, मुझे दुनिया में जहां सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहां तक मुझे पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।